लाइट चली गई बताओ, और बारिश हो रही है इस वक्त। मिकल गुस्सा थी पता है, ये क्या हालत बना रखी है, की क्या हो गया, क्या हो गया, तू रो रही है? नहीं रोते अच्छे बच्चे। ये वाला कैसा लग रहा है? बोल रहा हूँ So we are getting this one for Thakuma. I love this mithai guys. आपको पता है पनीर से बना हुआ है? देखो मेरे को कैसे भगा रही है। मोना। This is from Mona. I was so mesmerized by everything. थोड़ा सा pressurized definitely मैं feel कर रही हूँ। Good morning guys. मैं ना कल रात को घोड़े चने सब बेच के सो रही थी। लुक इट माई आईज, माई फेस, इट्स सो पफी। आई हैड अ गुड स्लीप एंड उठते से आई वाज लुकिंग फॉर डैड, आई कुडंट फाइंड डैड। मम्मी ने बताया कि वो चिकन लाने चले गए हैं, साथ साथ जो हमारा घर बन रहा है भुवनेश्वर में, यहीं पास में ही बन रहा है, उसको देखने चले गए हैं कि एंड आई वॉज लाइक कैसे जाने दिया, तो आई वॉन्टेड टू कॉल हिम एंड गेस वॉट, वो अपना फ़ोन छोड़ के गए यहाँ चार्ज पे लगा के। अब आने दो घर, खबर लेती हूँ मैं उनकी। सो अभी मैं दो तीन दिन और हूँ यहाँ पे, जब तक डैड का प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता। एंड इस घर में ना डीटीएच और वाईफाई कनेक्शन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भाई भी आएगा तो उसको वर्क फ्रॉम होम के लिए लगेगा। ऑल्सो इन जनरल आई फील लाइक कि जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज पापा के लिए मम्मी के लिए डीटीएच होना चाहिए, ताकि वो टीवी देख सके, स्पोर्ट्स न्यूज़ देख सके पापा। मैं कल गुस्सा थी पता है वो जियो फाइबर वाले इंसान के ऊपर, जिन्होंने मुझे बोला कि नो मैम कल ही हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, यू जस्ट पे द अमाउंट एंड हमारा टेक्नीशियन आएगा, वो डीटीएच और वाईफाई कनेक्शन लगा के चला जाएगा, आधे घंटे का काम है। और मुझे बार बार अपडेट लेना पड़ा कहाँ है टेक्नीशियन, अभी तक आया नहीं है। वो इतने अजीब अजीब रीज़न दे रहे हैं कि हमारे पास बॉक्सेस ख़त्म हो गए हैं, सेटअप बॉक्सेस, या टेक्नीशियन घर चला गया, मतलब दूसरे दूसरे रीज़न दे रहे हैं। आई वॉज लाइक वेरी अपसेट अबाउट इट कि कहाँ गए थे आप? चिकन चिकन। अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है पापा, और आप बाहर घूम रहे हो, व्हाट इज दिस, ठीक भी नहीं हुई कम्प्लीटली, ये क्या हालत बना रखी है, कि क्या हो गया, ये क्या हो गया पापा? गाड़ी धो रहा है। माय पीसी इज कुकिंग चिकन टुडे। रखी चिकन कौन कौन दिया आपको? चिकन रस्सा पस्सा, व्हाट पस्सा पस्सा, ये तो हमारी रेसिपी। गाइस टेक्नीशियंस आर फाइनली हियर, जियो फाइबर वाले वहाँ पे लग रहा है हमारा वाईफाई, और सेटअप बॉक्स वहाँ पे लगेगा। मैं व्लॉग को हाय भी नहीं बोला तो नहीं भी बार। गाइस माय ब्रदर पप्पी सो शाय, ही सो शाय, ही डज नॉट वांट टू से हाय, सो दैट ड्राइव्ड से हाय। हाय पप्पी, तो उसका घर का नाम है, व्हाट्स अ गुड नेम? विश्वजीत। विश्वजीत एकदम नाम में दम एकदम। पापा को न्यूज लगा दे। आई एम ईटिंग चिकन दैट आंटी मेड फाइनली। A few hours later. शाम की 7:30 हो रहे हैं, मैं और दीदी जा रहे हैं चंदना के घर, लाइट चली गई बताओ, और बारिश हो रही है इस वक्त। मैं गोठी लानी उड़िया में बोला जाए तो, वहाँ पे देखो मम्मी बैठी है, वहाँ पे दीदी सब अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के देख रहे हैं इधर आसपास। बंद हो गया फ़ोन, लेट्स गो। मैंने बहुत टाइम बाद मेकअप पहना है आज। गाइज अभी आप लोग देखना थोड़ी देर में लाइटनिंग होगी, देखा, और वहाँ पे गाय भी खड़ी है। We reached, अभी भी बारिश हो रही है, that's my niece, जो आपको सुनाई दी गई जिसकी आवाज खेल रही है वो दिशा। What's that? दिशा मूवी बॉसी भी सेत रहे? दियो ठीक है मूवी बॉसी भी सेत रहे? दियो बॉसी भी दियो दियो दिशा दिशा प्लीज मूवी बॉसी भी गाइस एक चीज आप देखो कितना क्यूट सा पिन पहना दिया आद्या को, उसका ड्रेस भी चेंज कर दिया उसने। आद्या कैन आई हैव दिस, कैन आई हैव दिस, डू दिस 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 दिस। आद्या एंटीना दिस इज। अभी हम अपने भाई पप्पी को राखी बांधेंगे, ये सब चंदना सजा के गए है। आई लव दिस मिठाई गाइस, आपको पता है पनीर से बना हुआ है, कल मैंने ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी है, जैसे छेना पोड़ो। दीदी क्या हो गया आपको, आप चेंज ही कर रहे हो कुर्ता? दीदी इज लाइक सब एथनिक पहन रहे, मेरे पास नहीं है तो चंदना लेके आई थी। दीदी तू कोई सा भी कुर्ता पहन ले, वो वाला पहन ले, वो ग्रीन वाला पहन ले, मैं थोड़े देर के लिए पहनना है। हाँ
खाना बना के चलो. थैंक यू. योर लर्निंग. I'm already learned. ठीक है. You are pro at it. Yes. I'm getting there. Yes. 7 years of experience. भुना चिकन बनाती हूँ मैं. दो बार में प्रैक्टिस कर ली. तूने खाली बोलने से तो नहीं होगा. तो मैं बना रही थी आज, पर आज मुझे बनाने नहीं दिया गया. How do I know that? मैं देखो बना के खिलाएगी. Okay. अपने हाथ का भुना चिकन. तो अपने हाथ का भुना चिकन भूल जाएगी वो. भाई देखो मेरी रेसिपी नहीं है, मैंने गूगल से मारी. किसी को तो फॉलो किया होगा. कभी है और ना रात जाएंगे तो पर अंदर जा. अंदर जाओ, इसको इसको बंद कर और फिर बाय कर वहां से. बाय. देखो मेरे को कैसे भगा रही है. कैसे ही भगा रही है. अरे पर तू अंदर जाओ, इसको बंद कर. अरे लड़की बहुत ही शैतान है. हाँ, अब ठीक. The next day. आज मैं, चंदना और दीदी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए. मिस्ट्री बॉक्स बनाना है मुझे फॉर अ क्रिएटर. अगर आपको पता है वो कौन से क्रिएटर है देन कमेंट डाउन बिलो. चंदना हम कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए? एक कमरा हाट. तो हम लोग बेसिकली उड़ीसा का मिस्ट्री बॉक्स बनाएंगे. उसी शॉपिंग भी कर लेंगे यार, अपने लिए, दूसरों के लिए, परिवार वालों के लिए. इट्स सुपर हॉट. इट्स करेंटली 1:30 एंड लुक एट माई लाइक फेस. इट लुक्स लाइक कोई मैराथन दौड़ के आई हूँ मैं. सारा मेकअप वेकअप सब निकल गया. ऐसी गर्मी ना मुंबई में भी रहती है. कोस्टल एरियाज है ना ये. ह्यूमिडिटी दिस इज. सो हम लोग इकमरे हाट पहुंच चुके हैं. हमें उड़ीसा के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का आइटम चाहिए था. हम लोग ने डोकरा के हैंडीक्राफ्ट्स देखे. देन वी आल्सो लुक्ड फॉर पट्टचित्र पेंटिंग. उड़ीसा हैंडलूम के सूट सेट्स वगैरह हम लोग ने काफी देखे. काफी डिफरेंट रेंजेस के अवेलेबल थे. गोल्डन ग्रास के हैंडीक्राफ्ट्स देखे. वी वर हियर फॉर 2-3 आवर्स. उसके बाद ना बारिश भी शुरू हो गई थी. बारिश तो मतलब रुक ही नहीं रही है. अभी हम लोग ज्वेलरी देखने के लिए आए हैं. मंगलसूत्र जैसा लग रहा था दिस. I got मेरे घर के लिए. दिस इज ट्राइबल आर्ट. कैनवस के ऊपर बना है. दिस इज ऑल हैंड पेंटेड और 3D दिखता है ये. दे ऑल्सो हैव अदर कलेक्शन यहाँ पे पट्टचित्र एंड ट्राइबल आर्ट का. आई वाज सो मेसमराइज्ड बाय एवरीथिंग. लाइक लुक एट दिस. इसमें पूरी रामायण दिखेगी आपको. इट्स सो ब्यूटिफुल. शॉपिंग बहुत अच्छी जा रही है. आई एम रियली हैप्पी विद एवरीथिंग दैट आई गॉट. बहुत अच्छा मिस्ट्री बॉक्स बनेगा ये. आई एम सो एक्साइटेड. बारिश तो कम ही नहीं हो रही है. भूख बड़ी लग रही है. तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं. भीगते भीगते हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं. दिस इज द रेस्टोरेंट. बहुत ही पास था जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ से. भूख लग रही है. गीला गीला भी लग रहा है. कुर्ता तो मेरा पूरा, हम सबका कुर्ता भीग चुका है. दो छाते में 3 लोग आए और मैंने जूते और सॉक्स दोनों निकाल दिए. वहाँ पे उनको सूखने के लिए छोड़ा. पता वो सूखेंगे नहीं, फिर भी छोड़ दिया मैंने. गाइस दिस इज चिकन यखनी शोरबा. ठीक है यार, बुरा नहीं. नूडल्स आर मिसिंग. अदरवाइज दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग. नॉट गुड. दिस इज कढ़ाई चिकन. आई एम गोना ईट दिस विद रुमाली रोटी. वी आर डन विद द फूड. दिस इज द स्वीट दैट आई एम हैविंग. यार सोर कैंडी. दिस इज आई लव दिस. बहुत ज़्यादा कैलोरी बट आई डोंट केयर. वी पेड फॉर दिस वाटर इसलिए हम भर के लेके जा रहे हैं. एक एक बूंद जरूरी. यस अदरवाइज वो तो डीच कर देते ना इसको. पता, मैं फ्लैश लाइट यूज कर रही हूँ बैक लाइट के लिए. अभी हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं. उत्कलिका जा रहे हैं. इट्स अ गुड शॉपिंग डे. और नीचे से भूत बना रहे. विलगिरी आर्ट की ज्वेलरीज लेने थे मुझे, इसलिए वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं. यार हम लोग तो यार बंद कर. हो गया. गाइस वी हैव कम टू उत्कलिका नाउ फिलगिरी की ज्वेलरी लेने के लिए. लास्ट ईयर आई थी मैं, तब मुझे तो पसंद नहीं आया था. बट दिस टाइम दे हैव रियली गुड झुमका कलेक्शन. दीदी ये वाला कैसा लग रहा है? ऐसे छोटे छोटे एकदम लाइट वेट वाले पसंद था. मैंने ये वाले लिए. ये वाले भी अच्छे लग रहे थे. ये थोड़ा बड़ा होता उसके लिए. ये भी अच्छा था डिज़ाइन. दीज आर ऑल ट्राइबल ज्वेलरी. जो पीतल होता ना उसका बना है. कितने हैवी है ये. कैसे पहनते थे इसे. दिस इज स्टिल इन फैशन. लुक एट दिस. सो प्रिटी. दीदी ना तीनों आंटीज के लिए, मतलब मेरी बुआस के लिए साड़ी ले रही है. ये तीनों अच्छे लग रहे हैं. मानिया बंधो. सो वी आर गेटिंग दिस वन फॉर थाकुमा. दिस इज इकत प्रिंट. और ये तीनों कलर हमने लिए हैं हमारी बुआ के लिए. शॉपिंग हो चुकी है. बस मुझे पेमेंट करना बचा. एंड आई मेट सम ऑफ माय सब्सक्राइबर्स. कम से हाय. दैट्स शुभांगना. दैट्स अंकिता. अंकिता इज मेरी बड़ी बहन का नाम है. उनको बता रही थी अभी. आप लोग सब उड़ीसा से हो? जी, वेस्ट बंगाल. सॉरी, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल से हो आप? और आप?
उड़ीसा। तो आप मतलब शॉपिंग के लिए या यहीं पे रहते हो? एक मोमेंटो खरीदने के लिए आए थे हमारे टीचर्स के लिए। ओह नाइस। मैं बस उनको एक्सप्लेन ही कर रही थी कि दैट आई एम डूइंग अ मिस्ट्री बॉक्स। एनी सजेशन कुछ देना चाहिए मुझे? जगन्नाथ का नी सिल्वर फिलिग्री इज वेरी फेमस। हाँ अच्छा सजेशन है। आई विल कीप दैट इन माइंड। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। यू टू। समझ गई। लुक क्या क्रेजी शॉपिंग कर लिया आज हम लोग ने। वी आर डन फॉर द डे। वी आर गोइंग होम। अभी बचा कुछ है, कल करेंगे अब। ए लिटिल लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर। दीदी दे रही है आंटी को। आंटी एक्चुअली दिस इज टेक टू। दिस वाज ऑलरेडी हैपेंड। This is from Mona. This is from Mona. Oh. Mimi is only recording. Mimi, हाँ. देखो, साइट अ खुली थी कि देखो ठीक है. कलर टा भी बहुत बहुत लगुची कैमरा रे भी. लो देखा है मैं. देखो. ना? 2 days later. मेरा भाई आ गया, छोटा बच्चा। थका थका लग रहा है तू? व्हाट इज दिस टी-शर्ट? बॉन बॉन डेमन स्लेयर एनीमे। सॉरी पीछे बताओ। ओहो इज दिस अ सीरीज? ये सीरीज है कोई? यप ये पढ़ा लिखा है डेमन स्लेयर। उसी का नाम है सीरीज का। इज इट गुड? शुड आई वॉच इट? यू कैन। इज इट ऑन नेटफ्लिक्स? इट्स गोर एंड सुपरनैचुरल। अरे चलेगा मेरे को। अभी हम लोग ऑटो में यूनिट टू मार्केट फिर से जा रहे हैं। मुझे कुछ और भी खरीदना था वहाँ से। मार्केट का काम खत्म होने के बाद हम लोग चलना के घर जाएंगे। वहाँ से आई थिंक हम लोग टाइम जोन वगैरह जाएंगे। आज मौसम अच्छा था, आज हमने सोचा कि चलो ऑटो कर लेते हैं। और यहाँ का मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, ऑटो थोड़ा बड़ा है। तुझे भी लगता है कि उड़ीसा का ऑटो थोड़ा सा वाइड है? कुछ कुछ ऑटोज बड़े हैं। गाइस देख लो कितनी भीड़ है आज संडे को। बाप रे। वी रीच द मार्केट। हम क्वींस कलेक्शन जा रहे हैं। इट्स अ वेरी फेमस शॉप जहाँ पे मम्मी के लिए साड़ी देखी थी दीदी। वी आर रियली लाइकिंग दिस वन। सो शाइनी एंड सो नाइस। 50% ऑफ में ना दीदी? और बहुत ही अच्छा लगा दीदी, मस्त। आई एम ट्राइंग इट आउट फॉर माई मदर। होटल लॉर्ड में। अच्छा ठीक है। यूनिट टू मार्केट के बाद अभी हम लोग एस प्लैनेट मॉल आए हुए हैं। इतनी भीड़ थी, बाप रे, बारिश भी इतनी हो रही थी। मैं ढूंढ रही हूँ चंदना और मेरी नीस दिशा को टाइम जोन के अंदर। कहीं दिखाई दे रही है क्या? हाय बेबी। ₹600 का रिचार्ज कराने के बाद फाइनली वी वॉन समथिंग फॉर आद्या। हम लोग इतनी बार हार रहे थे। वी वॉन अ टॉय फॉर हर। मैं दिखाती हूँ। दिशा आर यू हैप्पी? वी वॉन दिस फॉर यू ना? वो छोड़ ही नहीं रहे वो टॉय को। वेरी हैप्पी। द नेक्स्ट मॉर्निंग भुवनेश्वर में दिस इज अ फैक्ट कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कटौती होती है एंड इट्स कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा। बताओ ये हालत है यहाँ पे। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो इन्वर्टर और बैटरी की व्यवस्था भी करनी है यहाँ के लिए क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे समय तक चली जाती है लाइन। अभी तो मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं, फ़ोन भी चार्ज नहीं है। बाय द वे आई एम इन द किचन हेल्पिंग माई डैड फॉर लंच। वी आर मेकिंग भुना दाल। दिस इज मिक्स दाल। पता नहीं सब कुछ मिक्स कर दिया पापा ने इसमें, भूनने को दिया मुझे। पापा कुछ मिक्स वेज की सब्जी भी बना रहे हैं। दिस इज़ हाउ माई फादर कुक्स मिक्स वेज। ओके वो सारी सब्जी ऐसे काट देते बड़ा 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 एंड देन ही कुक्स एंड एवरी टाइम ही मेक्स इट वो सेम टेस्ट का। बाय द वे माई दाल बन गई। दिस इज पापा की दाल। माँ की दाल होती है, आज हमने पापा की दाल बनाई। लुक्स गुड, टेस्ट गुड, बट थोड़ा नमक कम है। मैंने अपने लिए खाना परोस लिया। मैंने इमली का अचार भी ऐड किया है। वेरी नाइस। खाएंगे फिर पैकिंग करेंगे थोड़ा सा, फिर मार्केट जाना है, फिर वीडियो भी एडिट करना है। दैट्स द प्लान। दीदी क्या चाहिए था? दीदी थोड़ा शीघ्र शीघ्र रेडी होंगे आप? अरे बहुत ही शीघ्र कर रही हूं मैं। ये मेरा ये फास्टेस्ट। ये आपका फास्टेस्ट है? ये देखो कब रेडी हो। उसके बाद आई एम मीटिंग माई कजिन वंदना आफ्टर लाइक 3-4 months। उसके जो फादर इन लॉ है उनकी आई सर्जरी के लिए वो आई थी एंड वी विल बी मीटिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली। कहाँ कैब बुक किया मैंने दीदी? अरे
वंदना को आने में टाइम है अभी, तो वी आर गेटिंग सम पिकल्स. आपने कभी कूली पिकल खाया है? सो आई एम गेटिंग दिस. दिस इज मेड इन भुवनेश्वर गाइस. हाय बेबी. हाय. हाय संदीप. कैसा है? बढ़िया. क्या हो गया, तू रो रही है? नहीं नहीं रोते अच्छे बच्चे. नहीं रोते अच्छे. तो भी जाके कैमरा खड़ी हुई थी तब जाके से बोल. तो एकदम परफेक्ट फिट नहीं बैठती मेरे पे, देख एकदम सीने पे. वो दिशा को देखो, एक किंडर जो है पकड़ ली, इतनी खुश हो गई है पकड़ के. हाउ इज इट दिशा? क्या मंत्र मुग्ध होके खा रही हो? इज इट मासी को दे, मासी को खरीद दे टिकट. ना मासी वाली को नहीं. एंड दिस इज व्हाट शी गॉट इनसाइड दिस. चंदा बता रही थी कि वो सिर्फ इसी के लिए इसको खरीदती है. द नेक्स्ट डे. सो ये मैंने संबलपुरी सूट सेट खरीदा था अभी इकमर हाट से, एंड वी वॉश्ड इट टुडे जस्ट टू सी कि कितना रंग छोड़ रहा है कि नहीं. अभी तो दीदी ने साफ कर दिया, बट यहाँ पे पूरा पिंक पिंक ब्लैक ब्लैक हो गया था. सो आई थिंक आई एम गोना गेट अनदर वन, अ बेटर क्वालिटी वन. मुझे कुछ उड़िया स्नैक्स भी खरीदने जो मैं मिस्ट्री बॉक्स में डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आज की फ्लाइट कल पोस्टपोन की और उससे मेरे 1000 रुपए भी लग गए. थोड़ा सा प्रेशराइज डेफिनेटली मैं फील कर रही हूँ इस मिस्ट्री बॉक्स को लेके, इसलिए नहीं दैट आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट. ऑफकोर्स आई वॉन्ट इट टू बी ग्रेट, बट आई रियली वॉन्ट की जो एलिमेंट्स मैं ऐड कर रही हूँ भले वो छोटे हो कम हो, बट वो अच्छे क्वालिटी के हों और जिन क्रिएटर के लिए मैं बना रही हूँ उन्हें पसंद भी आए. ऑल्सो ये मिस्ट्री बॉक्स उड़िया कल्चर को, उड़िया ट्रेडिशन को अच्छे से दिखा सके, सो इसलिए थोड़ा प्रेशर तो है. तो अच्छे क्वालिटी की और मार्केट से थोड़े कम दाम में उड़ीसा हैंडलूम खरीदने के लिए माई मदर सजेस्टेड मी टू गो टू कामयाब. दिस इज रन बाय मुक्ता. उनके पास उड़ीसा हैंडलूम के साड़ी सूट थे, वो इन हाउस कस्टम मेड कपड़े भी बनाते. उन्होंने मुझे डिफरेंस बताया एक हैंडलूम वर्सेज एक मशीन वर्क संबलपुरी सूट में कपड़े में कितना डिफरेंस आ जाता है. शी रियली ओपन्ड माई आईज. उनके खुद के कारीगर एक कपड़े पे काम भी कर रहे थे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था उनके पूरे स्टोर को चेक करने का, बट शी ऑल्सो शोड मी दिस पटचित्र हैंड पेंटेड साड़ी. आपका बुटीक बहुत ही सुंदर है. थैंक यू. इनके पास साड़ियां हैं, सूट सेट है, इन हाउस कारीगर काम भी करते हैं. एंड मैं इनसे बात भी करी थी कि यहाँ के प्लेस में प्राइस डिफरेंस वर्सेस बयोनिका उत्कलिका जो कि वेल नोन स्टोर से कितना डिफरेंस आ जाता है, एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है. यू नो जो हम लोग ने सूट सेट लिया दैट वॉज 3000, एंड शी वॉज टेलिंग मी कि अगर उनके खुद के कस्टमर ने 6000 का लिया था वो सेम सूट वैसा का वैसा. डेफिनेटली आई फील लाइक स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए, तो अगर आप भुवनेश्वर से यू हैव टू विजिट दिस प्लेस. आई एम गोना प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. गाइस आई रीच्ड नीमापोरा. इट्स अ वेरी फेमस शॉप इन भुवनेश्वर. यहाँ पे मैं उड़िया स्नैक्स ले रही हूँ और स्वीट्स भी ले रही हूँ. मुझे तीन प्रकार के यहाँ पे छेना पोड़ो दिख रहा है. दिस इज लेस स्वीट, दिस इज चीनी वाला, एंड दिस इज गुड़ वाला. एकदम टेस्ट कर करके मैंने एक एक चीज खरीदी है. इतना मीठा लग रहा था मुझे सब कुछ. और मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है मिस्ट्री बॉक्स के लिए, बिकॉज आई डोंट नो कि पसंद आएगा कि सामने वालों को, इसलिए एकदम दो 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 ऐसे पीस लिए मैंने सबके. बट आई एम रियली हैप्पी विद एवरीथिंग दैट वी बॉट. ओके लेट्स गो. बाप रे बहुत सारा सामान. हाँ कोच, अभी मैं और दीदी जा रहे हैं रिलायंस डिजिटल पास वाला, अब क्योंकि हमें घर के लिए लेना है. मैं माइक्रोवेव कहना चाहती हूँ, बट इट्स नॉट माइक्रोवेव. यू हैड यू कैन यू डू यू विल. माय ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग दीदी. वॉशिंग मशीन. Washing machine. हम लोग रिलायंस डिजिटल आ चुके हैं. दिस इज़ वन वॉशिंग मशीन दैट वी लाइक. आई एफ बी का है, हमारे घर पे भी यही वाला है, बट दिस इज़ टॉप लोड दैट वी आर लुकिंग, एंड दिस इज अनदर वन. सो ये हम लोग ले रहे हैं, ये भुवनेश्वर का जो रेंटेड घर है ना उसके लिए, मॉम डैड के लिए. गॉट द वॉशिंग मशीन. अभी हम लोग रिलायंस स्मार्ट आए. आप लोग सोचोगे कि वॉशिंग मशीन क्यों लिया शाली ने? सो पापा और मम्मी यहीं रहते हैं ना, तो उनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, अदरवाइज कपड़े धोने में काफी परेशानी हो रही थी इसकी वजह से. सो दीदी बॉट दैट फॉर देम. गाइस आई एम बैक होम एंड लुक व्हाट माय फादर डिड. ही बॉट 3 ऑफ दीज. मैंने बस पापा आपसे पूछा था कि पापा इसे क्या कहते हैं, पर आप उठा के लेके आ गए इसे. बिकॉज़ आई वांट दैट यू शुड कैरी इट टू मुंबई और टू भोपाल एंड डिस्ट्रीब्यूट among your friends. ये basically प्रसाद होता है, ठीक है? ये भगवान को चढ़ना है. Not necessary. But we eat it like snack. This is called.